नमस्कार, मैं आचार्य मनीष। ये वीडियो आपके लिए, पूरे भारत के हर व्यक्ति के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, ये आपके आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, पूरे सबके भविष्य के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। भारत में एक योजना है जिसका नाम है आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना में 5 लाख का इलाज गरीब आदमी को फ्री मिलता है। क्या वो सच में इलाज है? घुटना दर्द है, घुटने बदल दो। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी बदल दो। यूट्रस निकाल दो, गॉल ब्लैडर निकाल दो। कैंसर है तो गांठ निकाल दो। कहीं कभी ऑपरेशन ऑपरेशन ही होता है उसके अंदर। पेशेंट को भर्ती होना पता है, ऑपरेशन होता है। मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेद की। अगर आयुष्मान योजना में आयुर्वेद होता तो कैसा होता, आप ध्यान से समझिए। अगर आपका घुटना दुखता तो एलोपैथी वाले बोलते घुटना चेंज करना पड़ेगा। आयुर्वेद का पंचकर्म कहता है जानुवस्ती और वात चिकित्सा से यही घुटना बिना ऑपरेशन ठीक हो सकता है। तो मैं बोलता हूं आयुष्मान योजना में हमें इंटीग्रेशन पे काम करना चाहिए। आयुर्वेद भी होना चाहिए, एलोपैथी भी होनी चाहिए, होम्योपैथी नेचुरोपैथी सब होनी चाहिए, कि जिस चिकित्सा पद्धति में जिस चीज का इलाज बेहतर हो वो होना चाहिए। तो हम सब लोग इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाएंगे। 15 जनवरी को पीएमओ, आयुष मंत्रालय, हेल्थ मंत्रालय को ट्वीट करेंगे और स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पे मिस कॉल मरे, पूरा डाटा हेल्थ मंत्रालय को भेज देंगे कि पूरे भारत की जनता ने, आयुर्वेद के डॉक्टरों ने, होम्योपैथी के डॉक्टरों ने, नेचुरोपैथी के डॉक्टरों ने, स्कूलों ने, कॉलेजेस ने, प्रिंसिपल्स ने, पूरे भारत के हर व्यक्ति ने ये मेल किया जी, ये मैसेज किया, ये ट्वीट किया। अब ध्यान से सुनो, अगर किसी की कमर में दर्द है तो एलोपैथी वाले बोले रीढ़ की हड्डी L5-S1 खराब है, ऑपरेशन कर लो। लेकिन आयुर्वेद का पंचकर्म बोलेगा नहीं, कटिवस्थी से, पृष्ठवस्थी से इसी रीढ़ की हड्डी को रिपेयर किया जा सकता है। एलोपैथी वाले बोलेगा आंखों में प्रॉब्लम है, काला मोती या सफेद मोती, ग्लूकोमा, ऑपरेशन होगा। लेकिन आयुर्वेद वाले क्या बोलेंगे, अक्षय तर्पण से, नेत्र तर्पण से, आंखों में गोमूत्र डाल के, अपनी लार डाल के आंखें ठीक की जा सकती हैं। पूरे 140 करोड़ भारत की जनता मांग कर रही है कि आयुष्मान योजना में आयुर्वेद आना चाहिए, आयुर्वेद में को जो है आयुष्मान योजना में जोड़ा जाए और उसका लाभ सभी को मिले, सभी अधिकारियों को मिले, कर्मचारियों को मिले, देशवासियों को मिले। और आयुर्वेद बहुत अनिवार्य है और आयुर्वेद से ही जीवन सफल होगा और 100 साल तक जीने का भी अगर कोई कला है और कोई पद्धति है तो सिर्फ आयुर्वेद में औषधियां हैं, उसकी भी खोज तलाश किया जाए। जैसा कि अभी बाबा जी ने बताया कि आयुष्मान योजना में आयुर्वेद और बाकी आयुष की पद्धतियों को शामिल किया जाए, तो इसी के लिए हमारे लिए एक मुहिम जो है उन्होंने सहमति दी। और अभी तक जो है आप स्क्रीन पे देखेंगे कि कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से हमारे लिए सिर्फ अपना कीमती समय निकाल के इस कार्य को कर रहे हैं और देश भर में ये एक संपर्क अभियान आरंभ किया है आयुर्वेद फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से, जिसमें हमारे संरक्षक आचार्य मनीष जी भी जो है हमारे साथ, इसमें बाबा जी के साथ मिलके इसमें प्रयास रहते हैं। और हम सब लोगों की एक कोशिश ये है कि जैसे ही आयुष्मान योजना में आयुर्वेद और बाकी आयुष की पद्धतियां शामिल होंगी तो निश्चित रूप से ना सिर्फ हम लाखों लाख लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं बल्कि आयुष सिस्टम के जो लोग हैं उनकी भी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। ये जो आयुष्मान कार्ड है, इस आयुष्मान कार्ड को नेचुरोपैथी के लिए भी उपयोग करने दें। अभी आयुष्मान कार्ड न नेचुरोपैथी के लिए उपयोग होता है, न आयुर्वेदा के लिए उपयोग होता है, न एक्यूप्रेशर के लिए होता है, भारतीय चिकित्सा पे काम ही नहीं आता। नाम है आयुष्मान लेकिन उसमें आयुष नहीं है, वो केवल और केवल एलोपैथी के लिए उपयोग होता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ा के नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा के लिए भी उसको आगे बढ़ा दें। आयुष्मान में आयुर्वेद को शामिल कीजिए, आयुर्वेद को आयुष्मान योजना में शामिल कीजिए, आयुष्मान में आयुर्वेद को 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 शामिल किया जाए।